जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। यहाँ आराम कर रहा है गीता? मैंने तुझे हाथी पर नजर रखने को कहा था, और उसका पीछा करने को जब वो दूसरी हथनियों से मिलने जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वो दूसरी हथनियों को खुफिया एलिफेंट वैली पहुँचा देगा। मुझे उनका पता चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे मेरा खाना बनेंगे। आंख लग गई थी, माफी चाहता हूँ शेर खान, वो बासी गया होगा, मैं पकड़ लूंगा उसे। पकड़ना तो पड़ेगा, वरना तू भले ही कितना ही बेस्वाद हो, आज तुझे ही खा जाऊंगा। देखो बघीरा, मैंने बनाई है दुनिया की सबसे अच्छी फिशिंग रॉड, हल्की लचीली, इसके कांटे में मछली तो क्या? ओह माफ करना बलू, किसी भालू की पूंछ भी फंस जाएगी। मोगली, मेरी पूंछ छोटी और प्यारी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मछली समझकर इसे फंसाओ। समझ गया, मैं चलता हूँ, बाद में फंसाऊंगा। ओह मेरा मतलब बाद में मिलूंगा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रेनबो रॉक नहीं मिल रहा, मुझे वहाँ हाथी से मिलना है और मैं लेट हो गई हूँ। मेरा नया बेबी होने से पहले मुझे एलिफेंट्स वैली पहुँचना है, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो तो पास में ही है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। ओह शुक्रिया। यहाँ क्या करने आए हो टबाकी? शेर खान ने मेरा ये हाल किया, मैं तो उसे हाथी का पीछा करने से रोक रहा था बस। वो कह रहा था कि वो एलिफेंट्स वैली का पता लगा कर रहेगा और बच्चों को खा जाएगा। जल्दी जाकर अपने पापा को ये बताओ, जाओ। ओ तुमने हमें ये बता के बहुत अच्छा किया टबाकी। हम अभी उन्हें बताते हैं, हमें पता है वो कहाँ है। हम सकारा के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हाथी रुको। ओह तो पहुंच ही गई। मैं खो गई थी। हाथी मैं साथ चल सकता हूँ? नहीं मोगली, तुम नहीं आ सकते, एलिफेंट्स वैली खुफिया जगह है, वो हम किसी को नहीं बताते। ओह हाथी तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकते हो ना, फिक्र मत करो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। चलो फोटो यहाँ से। आगे बढ़ो। बाय मोगली, और मदद के लिए शुक्रिया। चाल कामयाब रही। चलो चलो आज बहुत मजा आ रहा है। एलिफेंट्स वैली में स्वागत है, यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है, एकदम सुरक्षित जगह है ये। हाँ? मुझे पहले ही लगा था। इतनी जासूसी ठीक नहीं होती इंसानी बच्चे। वादा करो
किसी को भी हमारी इस खुफिया जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। वादा करता हूँ। और अपने इस वादे पर कायम रहना। अब चलो निकलो यहाँ से। तो मिला वो बूढ़ा हाथी? वो अभी तक तो नहीं, पर बस मिलने वाला है। मुझसे बचकर जाएगा कहाँ। बढ़िया, पर याद रखना गीदड़, अगर बच्चे नहीं मिले तो तेरी बिरयानी से ही व्रत खोलूंगा। ठीक है, पर अभी जाने दो। इतना गुस्सा ठीक नहीं शेर खान, वरना सिर फटेगा। बलू, राज को राज रखने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा आसान है, बस वो राज किसी को बताना मत। तुम्हें भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात बताओ, आखिर वो राज है क्या? पता है, आज मुझे खुफिया एलिफेंट वैली का ठिकाना पता चल गया और मैंने ये तो बहुत ही गहरा राज है। क्यों चबाकी, तुम्हें लगा हम तुम्हें पापा तक ले जाएंगे? हाँ हाँ, खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है। मैं हवा करता हूँ। माफ करना। हम यहाँ ठीक है हाथी, वो घड़ी आ गई है, तुम्हें हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, तुम जा सकते हो। क्यों नहीं, मैं कल वापस आऊंगा। राज को राज रखना इतना भी आसान काम नहीं है, पर अगर मैं दोबारा एलिफेंट्स वैली गया और वहाँ जाकर बच्चों की देखभाल की तो उससे किसी को राज थोड़ी पता चलेगा। हाँ, नहीं पता चलेगा। अप्पू और हीटा, उन दो पिद्दियों ने मुझे धोखा दिया। हाथी, वो भी अकेला? ओ, अकेला ही तो होगा, क्योंकि वो सभी हथिनियों को खुफिया जगह छोड़कर अपने एलिफेंट मार्च वापस जा रहा है। तू तो गया था बाकी उस शेर खान के पेट में। ओ, एक मिनट, लगता है ये मोगली ऐसी जगह जा रहा है जिसका पता वो नहीं चाहता कि हाथी को लगे। ऐसा तो नहीं कि वो एलिफेंट्स वैली आया है? क्या मोगली भी वहां मिलेगा? हाँ, और हाथी भी वापस आ गया है। वो सारे हाथी के बच्चे और इंसानी बच्चा तुम्हारे हैं शेर खान। मैं हाथी को बुलाता हूँ, तुम एलिफेंट्स वैली जाओ और हमारे पहुँचने तक शेर खान को रोको। सिर्फ तुम्हारी वजह से मोगली। तुमने मेरा पीछा किया? उसे वैली में मत आने देना बघीरा। बलू और हाथी भी यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी देर और, उसे ऐसे ही उलझाए रखना बघीरा। सकारा, सकारा! मोगली, मोगली की बात सुनो। आप सभी सुनो, जितना हो सके उतना जोर से जमीन पर पैर मारो। जल्दी जल्दी, एक दो, एक दो, जितनी तेज हो सके मारो। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। शेर खान, क्या हुआ होगा? सब माएं ठीक होंगी ना? मोगली, बघीरा,
बस करो। ओ, कितने प्यारे लग रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोगली। अरे नहीं हाथी, मोगली ने तो हमें और हमारे बच्चों को बचाया है। क्या? मोगली बलू और बाघी भी कुछ तो ढूंढने जा रहे हैं। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हाथी हरे बाघों की ओर जा रहा है क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना है। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। ऊ और बू को सोना है, तैर कर जगह ढूंढ रहे। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। तबाकी को बस अपनी चाल चलनी है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हरजीत अपना शहद बचाने के लिए रास्ते ढूंढ के चढ़ रहा। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हीता है जो काला की जगह पर फूकने की कोशिश कर रही। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। जंगल अपनी धुन पर नाच रहा है, वो धुन भी बहुत खास है। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी का एक हिस्सा है। मोगली बलू और बाघी भी कुछ तो ढूंढने जा रहे हैं। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हाथी हरे बाघों की ओर जा रहा है क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना है। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। ऊ और बू को सोना है, तैर कर जगह ढूंढ रहे। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। तबाकी को बस अपनी चाल चलनी है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हरजीत अपना शहद बचाने के लिए रास्ते ढूंढ के चढ़ रहा। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हीता है जो काला की जगह पर फूकने की कोशिश कर रही। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। जंगल अपनी धुन पर नाच रहा है, वो धुन भी बहुत खास है। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी का एक हिस्सा है। मोगली बलू और बाघी भी कुछ तो ढूंढने जा रहे हैं। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। हाथी हरे बाघों की ओर जा रहा है क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना है। तुम कह सकते हो ये कहानी का एक हिस्सा है। ऊ और बू को सोना है, तैर कर जगह ढूंढ रहे।
सकते हो, कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। तबाकी को बस अपनी चाल चलनी है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। हरजीत अपना शहर बचाने के लिए रास्ते ढूंढ के चढ़ रहा। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। हीता है जो काला की जगह पर फूकने की कोशिश कर रही। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। जंगल अपनी धुन पर नाच रहा है, वो धुन भी बहुत खास है। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी का एक हिस्सा है। मोगली, बलू और बाघी भी कुछ तो ढूंढने जा रहे हैं। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। हाथी हरे बाघों की ओर जा रहा है, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना है। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। ऊ और बू को सोना है, तैर कर जगह ढूंढ रहे। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। तबाकी को बस अपनी चाल चलनी है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। हरजीत अपना शहर बचाने के लिए रास्ते ढूंढ के चढ़ रहा। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। हीता है जो काला की जगह पर फूकने की कोशिश कर रही। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। जंगल अपनी धुन पर नाच रहा है, वो धुन भी बहुत खास है। तुम कह सकते हो, ये कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी का एक हिस्सा है। Jungle.